बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन डालने के बाद भी उनकी जो डिसेबिलिटी पेंशन थी वो 2022 नवंबर तक भी स्टार्ट नहीं हो पाई। इसके बाद उन्होंने जो डिसेबिलिटी का एरियस था वो उसकी पेंशन के लिए जनवरी 2020 में से लेकर के अक्टूबर 2022 के बीच में, उसके बाद ये सारी चीजें होती रही और जो प्रोसेस थी वो टाइम लेती रही। लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर से इसी के मीन टाइम में एक CPENGRMS पोर्टल के बारे में उनको पता चला और वहां पर उन्होंने कंप्लेंट फिल्ड की 22 सितंबर 2023 को, जिसका नंबर आप सामने भी देख सकते हैं। इसके बाद वो जो केस था, जो कंप्लेंट फिल्ड की गई थी, उसको आगे कंसर्न ऑफिस को यानी कि PCDA को फॉरवर्ड वहां से कर दी गई। इसके बाद उनके जो केस था उसको प्रोसेस किया गया और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में वहां पर भेजा गया। इसी के मीन टाइम में जो केस था, जो वहां पर फाइल्ड कंप्लेंट की गई थी, वो सीनियर्स ऑफिसर्स की मीटिंग में यानी कि SUM की मीटिंग में DOPPW के पास पहुंचा, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशन वेलफेयर के जो सीनियर्स ऑफिसर्स की मीटिंग होती है, जिसे SUM भी बोलते हैं, वहां पर जो डायरेक्टरेट वहां पर डायरेक्टरेट दिया गया, जो सेक्रेटरी पेंशन थे उन्होंने बोला इस पर जल्द से जल्द काम करनी चाहिए, PCDO को उन्होंने जल्द से जल्द बोला। इसके बाद PCDA ने बिल्कुल इमीडिएट वहां पर उस केस को सैंक्शन किया, उसका एरियस 353,000 रुपए उनके फाइनल है जो उनके डिसेबिलिटी पेंशन के थे वो उनके खाते में आए 29 जनवरी 2024 को। ये पूरा केस था वो 30 जनवरी 2024 को फाइनली उनके अकाउंट को क्लोज कर दिया गया, जो कंप्लेंट उन्होंने फाइल की थी और उनके अकाउंट में जितने भी एरियर्स बनते थे विद एरियर्स के साथ में उनके सारे पैसे उनको खाते में क्रेडिट किए गए। तो फिर मैं आपको बता दूं, अगर आप अवेयर हैं, अगर आप जागरूक हैं और आप कंप्लेंट वगैरह करना जानते हैं, आप सारी चीजें ऐड करना जानते हैं, तो आपको आपकी जो पेंशनरी बेनिफिट है, चाहे वो एरियर्स हो पेंशन का, डिसेबिलिटी एरियर्स हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, या आप किसी भी टाइप की कोई पेंशन बेनिफिट से रिलेटेड चीजें हो, वो आपको जरूर वहां पर मिलेंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि कंप्लेंट कहाँ और कैसे करनी होती है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, तो हम उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे। आप बस कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, अगर उसमें 50 कमेंट भी आ जाएंगे यानी 50 कमेंट्स भी आ जाएंगे यस के, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसको लेकर के आ जाऊंगा और पूरा मैं कंप्लेंट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको कैसे उसमें रजिस्टर्ड करना है, कैसे साइन अप करना है, क्या क्या चीजें फिल करनी है और कैसे उस प्रोसेस को फॉलो करना है। साथ ही साथ उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद क्या क्या स्टेप्स को, जरूरी चीजों का ध्यान रखना है। तो ये बड़ी चीजें हैं जो आपको कंप्लेंट करने के बाद ध्यान रखनी होती है, और आपके रियल में आप उस पेंशन के हकदार हैं तो आपको वो पेंशन और उसके जो एरियस होते हैं वो जल्द से जल्द वहां पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो ऐसे में पेंशन के लिए बहुत बड़ी सहूलियत है कि CPENGRAMS पर कंप्लेंट कर सकते हैं पोर्टल पर, और वहां पर जाकर के जो कंप्लेंट है उसको ध्यान में रख करके सारी चीजों को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हम बात कर सकते हैं आप फिर से जो बजट सेशन होने वाला है, बजट सेशन को लेकर के फिर से चर्चाएं गर्म है और चर्चाओं में ये सारी चीजें होने वाली हैं कि क्या फिर से 18 मंथ्स के DOPPW के एरियस आपको मिलने वाला है, क्या एडिशनल पेंशन 5-10-15%, इन सबका जो बजट है वो सेपरेट डिसाइड होने वाला है इस बार, ये सब चीजें बजट अलॉट होने वाला है। आगे आके इन दिनों में बहुत ज्यादा चीजें इसमें क्लियर हो पाएंगी। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा, ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए बड़ी खबरें लेकर आया हूं सामने, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें बड़ी खबरों के अलावा आपके जो प्रीवियस कमेंट्स थे उनको भी लिया जाएगा, जिनमें आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, उनको इस वीडियो के जरिए इस सारी समस्याओं का समाधान भी यहाँ पर किया जाएगा। पहली बड़ी खबर आ रही है जून मंथ की पेंशन क्रेडिट को लेकर के, साथ ही साथ नोशनल इंक्रीमेंट 1 जुलाई और 1 जनवरी पर बड़ी खबर देने वाला हूँ। साथ ही साथ आप फॉर्म 16 डाउनलोड पर भी एक बड़ा जो है अपडेट आया है, वो भी मैं आने में देने वाला हूँ। चौथी खबर है आपके कि जुलाई में आपके बेसिक में 3% का इंक्रीमेंट होने वाला है, कैसे होगा वो बताऊंगा। साथ ही साथ पांचवी जो बड़ी खबर है वो फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के, फैमिली पेंशन पर भी एक बड़ी अपडेट मैं दूंगा, इसलिए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए, मैं अपने व्यूअर से एक अपील करना चाहूंगा, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम बहुत ही इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन और अपडेशन के साथ इन्फॉर्मेशन देते हैं। चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको घंटे के निशान को यानी कि बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की
लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स आप तक आ पाएंगी और आप हमारे वीडियोस को आगे इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। चलिए सीधा लेकर चलते हैं। और इसके अलावा एक और हम बात इंफॉर्मेशन दे दें आपको, अगर आपकी पेंशन या पेंशनरी बेनिफिट से रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको लेने की कोशिश करेंगे और आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगी वहां पर सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए सीधा लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। जून मंथ की पेंशन आपके खातों में क्रेडिट हो चुकी है तो आप हमें सबसे पहले कमेंट करके बताएगा कि आपकी जून मंथ की क्या पेंशन खातों में आ गई है। अगर नहीं आई है तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट या मैसेज, कई बार नहीं आते हैं तो आप बैंक स्टेटमेंट चेक करिएगा या ऑनलाइन देख सकते हैं तो ऑनलाइन जरूर चेक करिएगा कि आपकी मंथ की, इस मंथ की आपकी पेंशन खातों में क्रेडिट हुई है नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम पेंशनर्स की खातों में आ चुकी है। तो आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपकी इस मंथ की पेंशन आपके खातों में आई है या फिर नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो वो भी हम बताएंगे क्यों नहीं आई है और क्या रीजन उसके हो सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा बड़ा नॉमिनल इंक्रीमेंट को लेकर के। तो नॉमिनल इंक्रीमेंट मैं आपने प्रीवियस वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूं, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ऐसे होते हैं जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और उनको एक इंक्रीमेंट का लॉस उठाना पड़ता है। बेसिकली नॉमिनल इंक्रीमेंट ऐसे इंक्रीमेंट को कहा जाता है या ऐसे पेंशनर्स जो 30 जून को या 31 दिसंबर को रिटायरमेंट होते हैं, लेकिन जो उनका नेक्स्ट प्रमोशन होता है या नेक्स्ट इंक्रीमेंट होता है वो 1 जनवरी और 1 जुलाई को लगता है, तो ऐसे में उनको कई बार नॉमिनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता है। तो जब नॉमिनल इंक्रीमेंट 1 जनवरी और 1 जुलाई को दिया जाता है ऐसे पेंशनर्स को जो रेस्पेक्टिवली 30 जून और 31 दिसंबर को जो रिटायरमेंट होते हैं वहां पर उनको नेक्स्ट इंक्रीमेंट दे दिया जाता है और उससे उसके बेसिस पर ही उनके जो पेंशनरी अदर बेनिफिट्स हैं, चाहे वो ग्रेच्युटी हो, चाहे वो DR हो, चाहे वो उनकी बेसिक हो, क्योंकि बेसिक भी बढ़ती है 3%, तो उसके बेसिस पर सारे जो पेंशनरी बेनिफिट्स हैं वो पेंशनर्स को दिए जाते हैं। तो अगर आप भी 30 जून को रिटायरमेंट हुए हैं या 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हुए हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट को या अपने ऑफिस को कहिए कि आप उनका नॉमिनल इंक्रीमेंट लगाएं और उनको एक एक्स्ट्रा बड़ा हुआ इंक्रीमेंट को प्रोवाइड करें। अगर आप ये सब कार्रवाई कैसे करनी है डिटेल में, नॉमिनल इंक्रीमेंट कैसे लगवाना है, क्या एप्लीकेशन लिखनी है, कौन सा फॉर्म फिल करना है, अगर वो आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, हम आपको वहां पर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बना देंगे जिसमें नॉमिनल इंक्रीमेंट के बारे में सारी जानकारी दी गई होगी और वहां से आप एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट आप वहां से ले पाएंगे जिससे आपके और भी सारे जो बेनिफिट्स हैं उसमें भी आपको सीधा सीधा फायदा मिल पाएगा। बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो अब जो है आपका फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं, जो स्पर्श के पेंशनर्स हैं वो स्पर्श से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं और जो अलग मिनिस्ट्री से डिपार्टमेंट के पेंशनर्स हैं वो वहां से भी अपना फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकते हैं। इवन जो एम्प्लॉयज हैं, सर्विंग एम्प्लॉयज हैं, वो भी अपना अपने ऑफिस से जहां भी DDO आपका होता है, कैश डिपार्टमेंट्स होता है, वहां से जाकर के अपना फॉर्म 16 वहां से ले सकते हैं और सारी चीजें उसमें अपडेशन करवा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ चलें। अगली बड़ी खबर आ रही है जुलाई में बेसिक में इन 3% की बेसिक में इंक्रीज होने वाली है। बेसिकली आप सभी को पता है कि अब ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा जो है आने वाला है, लास्ट वर्किंग डे को आ जाएगा और जैसे ये आ जाएगा तो उसके बाद में आपका जुलाई मंथ का जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो कंफर्म हो जाएगा और अब आपको जो है 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के मिलने के पूरे पूरे चांसेस यहां पर दिख रहे हैं। जुलाई से 3% आपका फिर से बढ़ोतरी हो जाएगा और बढ़ोतरी होने के साथ ही अब यहां पर 53 से 54% तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जा सकता है। हालांकि अभी एक मंथ का और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आएगा, जैसे वो आएगा तो आपका कंफर्म हो जाएगा DA और DR किनको कितना प्रतिशत मिलने वाला है। हालांकि मुझे जो लगता है कि 3% तक ही इस बार बढ़ने वाला है, क्योंकि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है उसके बेसिस पर बढ़ोतरी इस बार ज्यादा नहीं हुई है और बढ़ोतरी नहीं होने के चलते आपको 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यहां पर मिलेगा। तो जुलाई में 3% महंगाई भत्ता के चलते आपकी सारी जो डेटा है वो 3% तक उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। अब बात करते हैं फैमिली पेंशन की। ऐसे पेंशनर्स जिसमें पेंशनर्स की डेथ हो चुकी है और उसके बाद उनकी जो नॉमिनीज हैं यानी उनकी वाइफ हैं उनकी भी उस सिचुएशन में अगर डेथ हो चुकी है तो अब आपको अगर आप उनके लड़के हैं और लड़कियां हैं दोनों अलग अलग सिचुएशन में पेंशन मिल सकती है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लड़कियां ये सोचती हैं, महिलाएं ये सोचती है कि उनको पेमेंट नहीं मिलती है, उनको फैमिली पेंशन नहीं मिलती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर जो है आपने अगर अभी तक शादी नहीं हुई है या आप विडो हैं या फिर आप डाइवोर्सी हैं तो आप अपनी फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, और आप ले सकते हैं। इवन जो लड़के भी हैं अगर वो कुछ नहीं करते हैं और 25 साल से कम की एज है तो वहां पर भी
वो फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन यही होनी चाहिए कि पेंशनर्स और उसकी वाइफ वहां पर डेथ उनकी होनी चाहिए। अगर वो डेथ हो गई है तो आप अपनी पेंशन के लिए फिर से अपने ऑफिस या डिपार्टमेंट में संपर्क करिए और वहां से आप अपना जो है आपका इसमें सारी जो अपडेट फॉर्म फिल करिए और आपको फैमिली पेंशन वहां पर स्टार्ट हो जाएगी। आप अगर चाहते हैं कि हम इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में यस लीजिएगा, हम फैमिली पेंशन आपको कैसी मिले उस पर भी वहां पर बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे पेंशनर्स की जिनकी एज 80 ईयर्स हो गई है लेकिन अभी तक उनको एडिशनल पेंशन खातों में नहीं दी गई है। हाँ जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनकी एज 80 साल की एज पूरी हो चुकी है लेकिन उसके बाद भी उनको एडिशनल पेंशन अभी तक नहीं दिया गया है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन और सर्कुलर जारी किया है और उन्होंने बताया है कि बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ सही से नहीं लिखी है। सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ 1/1/1964 है तो उन्होंने सिर्फ 1964 लिखा हुआ है, या फिर मंथ नहीं लिखा गया है, या एग्जैक्टली डेट नहीं लिखी गई है। तो आपके जितने भी पीपीओस हैं उनमें आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बिल्कुल क्लियर कराइए और ऑफिस में आप अपना मिलिए और उनसे सारी चीजें उनको बताइए कि हमने डेट सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स करा दी है अपने रिकॉर्ड ऑफिस में जाकर के। उसके बाद से अब आपकी पेंशन में जो एडिशनल जो 20% की वृद्धि होती है वो वहां पर हो जाएगी और 20% बढ़ोतरी होने के बाद में वहां पर जो आपकी बेसिक पेंशन में काफी हद तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो ऐसे अभी बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिन्होंने 80 साल की एज पूरी कर ली है लेकिन उनको जो है फाइनली एडिशनल पेंशन का फायदा अभी तक नहीं पहुंच पाया और आपने वहां पर इन्फॉर्म भी करना होता है। आप इन्फॉर्म करेंगे अपने रिकॉर्ड ऑफिस में जाकर के, सारे फॉर्म फिलअप करेंगे, सारी जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सारी चेकअप करेंगे, चेक करने के बाद वहां पर सारी चीजें इन्फॉर्मेशन दे देंगे और उसके बाद में आपकी एडिशनल पेंशन वहां पर लग जाएगी। अब एक और बात करते हैं यहाँ पर 18 मंथ्स के DODR पर। तो 18 मंथ्स के DODR पर अभी लेटेस्ट अपडेट ये आया है कि आने वाले दिनों में इस पर कोई ना कोई एक पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। मीडिया में जो खबरें आ रही अगर उनकी माने तो कर्मचारियों पेंशन और फैमिली पेंशन के 18 मंथ के DODR पर बड़ी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, 18 मंथ की बात करें तो उस पर सुनने में आ रहा है या मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कि जल्द से जल्द इस पर पॉजिटिव कोई ना कोई अपडेट आ जाएगा और कर्मचारियों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए इसमें एक बड़ी सी राहत की खबर मिल सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कोविड के टाइम पे 18 मंथ का DODR का एरियर रोका गया था, जिसके बाद कर्मचारियों पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स को बढ़ते हुए रेट पर तो दिया गया था DODR लेकिन 18 मंथ का DODR प्रोवाइड नहीं कराया गया था। इसके बाद यूनियंस और फेडरेशन लगातार सरकार से रिगार्डिंग बातचीत कर रहे थे और उन्होंने अब जो है एक और फिर से लेटर लिखा है जिसमें कर्मचारियों पेंशन फैमिली पेंशन के 18 मंथ के DODR को बहाल या रिस्टोर करने की बात कही गई है। आगे जब भी इसमें कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बता देंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ हमने जितने भी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कमेंट बॉक्स में यस लिखने के लिए कहा तो यस जरूर लिखेगा और नो बोला तो नो जरूर लिखेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन और कम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पेंशनर्स कर्मचारियों एज वेल एज फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं 4 बड़े अपडेट लेकर आया हूं, जैसा कि सामने आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। पहला बड़ा अपडेट है पेंशनर्स को जुलाई मंथ में बड़ा एरियर्स मिलने वाला है। किन किन पेंशनर्स को मिलेगा, क्या है उसका प्रोसीजर, वो भी हम बताएंगे। साथ ही साथ जुलाई मंथ के DODR पर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा अभी तक नहीं आया है, मई मंथ का, जून मंथ का, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या 53% DODR होने के बाद DODR मर्ज होगा 50% होने के बाद। तीसरी सबसे बड़ी अपडेट है 80 मंथ्स के DODR पर भी एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं। साथ ही साथ एक फोर्थ बड़ी अपडेट होगी वो CGHS कार्ड के कार्ड होल्डर्स हैं या CGHS के जो बेनिफिशियरीज हैं उसे लेकर के भी एक बड़ी अपडेट देने वाला हूँ। चारों खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरी वीडियोस को, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाए लेकिन आपके लिए इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स, बहुत ही ज्यादा जानकारी मिलेगा जिसका डायरेक्टली असर आपकी पेंशन सैलरी और पेंशन फैमिली पर पड़ेगा। वीडियो को पूरा लास्ट से देखिएगा और आपसे एक अपील करना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के वेलफेयर से रिलेटेड न्यूज इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स देखते हैं। साथ ही साथ अगर किसी पेंशनर्स को इवन कर्मचारी को किसी उसके बेनिफिट्स से रिलेटेड अगर कोई डाउट है या कोई अगर समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो में उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चलिए सीधा लेकर चलते हैं पहली बड़ी खबर पर, पेंशनर्स का एरियर्स जुलाई मंथ में मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको अब एंट्री पे लेवल का एरियर्स मिल चुका है,
मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कई बार इसका जिक्र भी किया था, कई बार मैं डिस्कस भी कर चुका हूं। एंट्री पे लेवल का जो एरियर्स है वो पेंशनर्स को धीरे धीरे मिलने लगा है, साथ ही साथ कई सारे पेंशनर्स को 50,000 60,000 1,00,000 तक का एंट्री पे लेवल का जो एरियर्स है वो उनके खातों में अब पहुंचने लगा है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था कि आपको एंट्री पे लेवल का एरियर्स कैसे लेना है, किस सर्कुलर का यूज करना है, साथ ही साथ क्या क्या सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं जिसके बाद आपको एंट्री पे लेवल का एरियर्स मिल जाएगा। उसके बाद पेंशनर्स ने वैसा ही किया और उनको काफी हद तक अब एंट्री पे लेवल का जो एरियर्स था वो मिलना स्टार्ट हो गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि डिटेल में हम आपको बताएं या आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे और आपको बता देंगे कि आपको एंट्री पे लेवल का एरियर्स आपको कैसे लेना है और क्या क्या चीजें उसमें अपडेट्स होंगी। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर पर, इसमें 53% अब DADR होने के पूरे पूंछे चांसेस हैं। लेकिन अभी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा फिर से रुक गया है, जैसे कि फरवरी मार्च और अप्रैल मंथ्स में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा नहीं पब्लिश किया गया था। उसके बाद अब मीडिया में और सोशल मीडिया में ऐसी खबरें आने लगी थी कि गवर्नमेंट DA और DR को मर्ज कर सकती है 50% के बाद में अब फिर से, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट वापस लिया गया उसके बाद में कर्मचारियों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो DA और DR होता है उसको फिर से अपडेट कर दिया गया और उसमें बाद फिर से अब DADR आने लगा, उसके डेटा पब्लिश कर दिया। लेकिन अब फिर से जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है वो रोक दिया गया है, तो अब फिर से ऐसी बातें होने लगी हैं कि क्या सरकार इसको मर्ज करने वाली है, साथ ही साथ कर्मचारियों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के जो DA और DR होगा उसमें क्या अपडेट होगा। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अभी कुछ दिन में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है वो पब्लिश कर दिया जाएगा, साथ ही साथ कर्मचारियों का जो डेटा होगा उसमें डेटा के बेसिस पे ही आपका जुलाई मंथ का और आपका DA और DR उसमें तय किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 53% है, फिर भी अगर इसमें डेटा में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ये 54% तक जा सकता है, इससे ऊपर ये नहीं जाएगा। अब बात करते हैं 18 मंथ्स के DA और DR पर क्या बड़ा अपडेट आया है। बेसिकली 18 मंथ्स के DA और DR पर एक बड़ा अपडेट ये आया है कि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की तरफ से एक इम्पोर्टेंट लेटर जारी किया गया है, देख सकते हैं आप फाइनेंस मिनिस्टर को, जिसमें कोविड के टाइम का जो DNS अलाउंसेस का जो एरियस था वो रोका गया था उसको देने की बात फिर से की जा रही है, जिसमें रिक्वेस्ट की गई है, आप सब्जेक्ट में भी देख सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू ऑफ डिसीजन ऑन DNS अलाउंसेस एरियस फॉर कोविड पीरियड। आप देख सकते हैं जिसमें ये लोकसभा सेशन में भी कई बार इसमें कम्युनिकेटेड किया गया, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉइज और पेंशनर्स की यूनियंस ने भी 18 मंथ्स के DA और DR को जो रोका गया था कोविड के टाइम पे उसको देने की बात कही है। उसमें ये लेटर में ये भी बोला है कि जो हमारा देश है नेशन है ग्रेजुअली रिकवर कर रहा है हमारे पैंडेमिक से, उसके बाद में अब हमारी इकोनॉमी काफी हद तक स्ट्रांग हो चुकी है, जिसके चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स ने कोविड के टाइम में बहुत अच्छा काम किया था और उसके बाद उन सबका जो है अब जो DA और DR है उसको उनका उनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूट था उसको DA और DR के रूप में उनको मिलना चाहिए। इसके अलावा यूनियन और पेंशन भी पेंशनर्स की एसोसिएशन भी सरकार से एक बार बोल चुकी हैं, कई बार बोल चुकी हैं कि सरकार जो है नेगोशिएशंस या सेटलमेंट की सिचुएशन में आना चाहिए, इससे अगर एक बार गवर्नमेंट DA और DR नहीं दे सकती एक बार में तो 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में वो उनको प्रोवाइड करा सकती है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट खबर की जो कि आ रही है CGHS के कार्ड्स को लेकर के, CGHS के जो यूज करते हैं बेनिफिशियरीज उनको लेकर के, आप देख सकते हैं सामने CGHS के न्यू रूल्स आ गए हैं, इसमें केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को ऑनलाइन करना होगा CGHS कार्ड के लिए अप्लाई, सरकार ने इसमें नियम बदल दिए हैं। क्या नियम बदले गए वो भी आप देख सकते हैं, CGHS में अप्लाई करने के नियम बदल गए हैं, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को CGHS के कार्ड के लिए ऑनलाइन अब अप्लाई करना होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशनर्स को केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना यानी कि CGHS कार्ड जारी करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। क्या वो दिशा निर्देश हैं वो भी आप देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। हम दिशा निर्देश जारी यानी कि जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी गई हैं और उसी गाइडलाइंस के बेसिस पर ही सारी चीजें अब आगे होंगी, जिनमें से कई सारी गाइडलाइंस में ये बोला गया है कि उस जो सरकार ने गवर्नमेंट ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है उसमें केंद्र सरकार ने उन्हें बोला है कि सर्विस में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नए CGHS कार्ड के लिए अनिवार्य रूप से ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। केंद्र सरकार का कर्मचारी अस्थायी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा जिसे आप www.cghs.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं या वहां से ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। उसे वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म भरकर ऑनलाइन जमा करना होगा। एक बार यह हो जाने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन लेटर का प्रिंट आउट लेना होगा और हार्ड कॉपी से संबंधित अपने विभाग में जमा करनी होगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट केंद्र सरकार के कर्मचारियों को CGHS कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए एक एप्लीकेशन लेटर के साथ जमा करने होंगे और जैसे ही एप्लीकेशन लेटर आपके साथ जमा हो जाएगा उसके बाद उसमें सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी। अपडेट के बाद वहां पर बहुत सारी चीजों में फिर से
चेंजेस किए जाएंगे जो भी आपका उसमें होगा, और चेंजेस करने के बाद इसमें सारी चीजें फिर से उसमें कर दी जाएंगी, और उसके बाद आपको एक नया CGHS कार्ड अप्लाई हो जाएगा, और आपको अब किसी भी अपने ऑफिस में डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ही गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर के इन सारी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़ी अपडेट बताई जिनमें 18 मंथ्स के DR का एरियर आपको मिलना चाहिए। हालांकि बहुत सारे पेंशनर्स ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट जब 18 मंथ्स का DA और DR का एरियर के लिए मना कर चुकी है तो फिर आप बार बार इसको क्यों बोलते हैं। बेसिकली बता दूंगा 18 मंथ्स के DA और DR आपको मिलना चाहिए। बहुत सारे पेंशनर्स भी इसके रिगार्डिंग लगातार पूछते रहते हैं कि 18 मंथ्स के DA और DR के बारे में क्या चीजें चल रही है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने बताया है। आगे आने वाले दिनों में इसमें बहुत सारी चीजें और भी अपडेट होंगी 18 मंथ्स के DA DR पर, वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके हिसाब से 18 मंथ्स के DA DR पर कितना आपको पैसे बनते हैं, या फिर आपको उनको 18 मंथ्स का DA और DR आपको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको 8वें वेतन आयोग पर बहुत सारी और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि 8वें वेतन आयोग में क्या आपका फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। सारा एक चार्ट लेकर आया हूं, डिटेल में बात करेंगे पूरा 8वें वेतन आयोग पर, आपके ग्रेड पे आपके लेवल के हिसाब से क्या क्या आपका बेसिक होगा 8वें वेतन आयोग में, वो भी मैं बताऊंगा। क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है वो भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ 4th, 5th, 6th और 7th पे कमीशन में कितने परसेंट की हाइक हुई आपकी, क्या फिटमेंट फैक्टर रहा, कितनी मिनिमम बेसिक सैलरी थी, कितनी मिनिमम बेसिक पेंशन थी, उस पर भी बात करेंगे, और जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग का जो प्रपोजल है वो गवर्नमेंट कब तक दे सकती है, कब तक लागू हो सकता है, क्या सारे इसमें अपडेट्स होंगे। यानी एक ही वीडियो में आपके 8वें वेतन आयोग पर यानी कि 8th CPC पर सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप अपनी बेसिक पेंशन और बेसिक सैलरी भी देख पाएंगे अगर 8वां वेतन आयोग जिस हिसाब से लागू हो सकता है, तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को यानी घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि किन पे कमीशन में कितनी बढ़ोतरी हुई, थोड़ा एक रफली आइडिया लगेगा इससे कि 8th पे कमीशन में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। सामने एक आप चार्ट देख पा रहे हैं जिसमें जिसमें पे कमीशन लिखा गया है। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं कितने परसेंट हाइक हुआ वो देख सकते हैं, क्या फिटमेंट फैक्टर रहा वो यहाँ पर है, साथ ही साथ कितनी मिनिमम बेसिक सैलरी थी और उसके हिसाब से यहाँ पर किस हिसाब से बढ़ोतरी हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4th पे कमीशन की। 3rd पे कमीशन से 4th पे कमीशन में जब हम आए तो वहां पर 27.6% की टोटल बढ़ोतरी हुई बेसिक में, फिटमेंट फैक्टर वहां पर नहीं था, वो मिनिमम बेसिक सैलरी उसके बाद हुई ₹750। अब आगे चलते हैं 5th पे कमीशन में। जब 5th पे कमीशन आया तो 31% की यहाँ पर बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी हुई, फिटमेंट फैक्टर यहाँ भी नहीं था और बेसिक सैलरी ₹750 से बढ़ करके ₹2550 यहाँ पर हुई। अब बात करते हैं 6th पे कमीशन की, इसमें बढ़ोतरी हुई 54% की और यहाँ से अब फिटमेंट फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, यानी कि ₹2250 में 1.876 का मल्टीप्लाई करने के बाद रफली ₹7000 यहाँ पर आए। यानी फिटमेंट फैक्टर ऐसा क्रूशियल रोल प्ले करता है, जब आपकी बेसिक सैलरी जो भी होगी और एक फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा उसके बाद ही यहाँ पर आपकी टोटल बेसिक सैलरी या बेसिक पेंशन काउंट होगी। सपोज करिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम, यानी कि 7th पे कमीशन में 14.29% की बढ़ोतरी हुई और फिटमेंट फैक्टर अभी आपका जो प्रेजेंट में है वो 2.57 है, और बेसिक सैलरी की बात करें तो आपकी बेसिक सैलरी ₹18000 और आपकी बेसिक जो पेंशन है वो ₹9000। और वो आती कैसे है, आपका जो भी प्रीवियस में 7000 आपकी पे कमीशन में था और उसमें 2.57 का मल्टीप्लाई जब किया गया तो आप देख सकते हैं कि रफली एग्जैक्ट 18000 नहीं आते हैं, रफली ₹18000 आए, 17500 आए, तो उसको ₹18000 बेसिक बनाएगा। अब बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग में कितने परसेंट का हाइक होगा, क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, वो कितनी मिनिमम बेसिक सैलरी या मिनिमम बेसिक पेंशन हो सकती है, अब हम उसकी बात करेंगे। आपने देखा यहाँ पर 4th से 5th के कमीशन में आप देख सकते 31% का हाइक हुआ,
सिक्स पे कमीशन में 54% का हाइक हुआ, सेवन पे कमीशन में 14.29% का हाइक हुआ। वहीं बात करते हैं अगर सिक्स पे कमीशन की, उसमें फिटमेंट फैक्टर 1.86 रहा। वहीं सेवन पे कमीशन की बात करते हैं, उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 है जो करंटली अभी चल रहा है। अब बात करेंगे कि क्या आठवें वेतन आयोग में क्या फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। पहले आप भी वीडियो को रनिंग में ही कमेंट कर सकते हैं कि आपके हिसाब से कितना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए या कितने प्रतिशत की हाइक पेंशन और सैलरी में होने चाहिए जिससे आपकी मिनिमम बेसिक पेंशन और मिनिमम बेसिक सैलरी हो। हम पूरा डिटेल में चार्ट देखेंगे, आठवें वेतन आयोग में क्या चार्ट होगा, क्या सारी अपडेट्स होंगी, वो चार्ट हम लेकर आए। आप देख सकते हैं ये चार्ट है और हम इसमें फिटमेंट फैक्टर जो है 2.528 लेकर आए, यानी फिटमेंट फैक्टर हम अगर एक्सपेक्टेड बात करते हैं इसमें कम ज्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्ट यही भी हो सकता है। मैं आपको एक रफली आइडिया दे रहा हूँ कि फिटमेंट फैक्टर 2.28 अगर हम लेकर चलते हैं तो क्या आपका बेसिक पेंशन होगा, क्या बेसिक सैलरी होगी, ये सारी चीजें हम इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस चार्ट पर, इस टेबल पर बात करने से पहले हम थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि आठों वेतन आयोग का प्रपोजल कब तक आ सकता है, क्या इसमें अपडेट्स आएंगे, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मीडिया में जो खबरें आई उन पर बात करें थोड़ा सा। एट्थ पे कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव्स प्रपोजल एक्सपेक्टेड टू बी अनवील्ड इन जुलाई 2024, यानी कि जुलाई 2024 तक सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। आप देख सकते हैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रपोजल टू एस्टेब्लिश द एट्थ सेंट्रल पे कमीशन सीपीसी टाइम्ड विद द अपकमिंग बजट फॉर 2024 एक्सपेक्टेड टू बी अनवील्ड इन जुलाई। द प्रपोजल एम्स टू रिव्यू एंड रिवाइज द बेसिक पे अलाउंसेस पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स, यानी कि जुलाई में जो बजट सेशन है, जो आने वाला बजट सेशन है उसमें इसमें बात हो सकती है। आगे आप देख सकते हैं, अर्जेंट कॉल फॉर द एट्थ पे कमीशन, मिस्टर शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी जेसीएम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैज अर्ज्ड द गवर्नमेंट टू प्रायोरिटाइज द फॉर्मेशन ऑफ एट्थ सीपीसी। इन अ डिटेल लेटर टू द कैबिनेट सेक्रेटरी, मिश्रा हाईलाइटेड द नीड फॉर दिस कमीशन टू एड्रेस द इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड गवर्नमेंट पेंशनर। तो आप देख सकते हैं कि जो एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी है मिस्टर शिवगोपाल मिश्रा, उन्होंने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा और लेटर में आठवें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लाने की, जल्द से जल्द फॉर्म करने की बात कही गई है, क्योंकि इकोनॉमिक जो भी चैलेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा फेस करने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को और गवर्नमेंट पेंशनर्स को। अब बात करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की, क्या की और क्या टाइमिंग हो सकती है आठवें वेतन आयोग की, उस पर भी एक बड़ी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ट्रेडिशनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन इज फॉर्म्ड एवरी 10 इयर्स टू इवेल्युएट एंड रिकमेंड चेंजेस टू द पे स्ट्रक्चर्स अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इनकॉर्पोरेटिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर इन्फ्लेशन, यानी कि आठवें वेतन आयोग या कोई भी पे कमीशन होता है वो उसका इवोल्यूशन और रिकमेंडेशन किए जाते हैं, उसके वेतन भत्ते और जो भी बेनिफिट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के, वो इन्फ्लेशन के चलते ऐसा सब किया जाता है। द सेवंथ पे कमीशन एस्टेब्लिश बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन फरवरी 28, 2024 इम्प्लीमेंटेड इट्स रिकमेंडेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 1/2016। आपको पता ही कि सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2024 को किया गया था, जो कि 2014 को किया गया था, जो कि 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। अब बात करते हैं सीपीसी कब से स्टार्ट हो सकता है। द एट सीपीसी प्रपोज टू कमेंस फ्रॉम 1 जनवरी 2026, यानी कि एक जो आपका आठवां वेतन आयोग है एक्सपेक्टेड है कि 1 जनवरी 2026 से इसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हाउएवर द गवर्नमेंट हैज येट टू अनाउंस द फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट लीवर लीविंग ओवर 1 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशन अवेटिंग अपडेट्स। आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 1 करोड़ एम्प्लॉइज और पेंशनर्स है वो आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं और देखना होगा कि कब तक इसमें क्या क्या चीजें अपडेट होती हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि जुलाई तक इसमें कोई ना कोई अपडेट निकल कर आएगा और उसके बेसिस पर हम फिटमेंट फैक्टर के बढ़ोतरी होने के बाद कर्मचारियों पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का आठवें वेतन आयोग का गठन हो सकता है। हम प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इसमें कोई भी बढ़ोतरी या कमी हो सकती है। प्रोजेक्टेड है एट्थ पे कमीशन के हिसाब से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं एट्थ सीपीसी फॉर लेवल 1 टू लेवल 5 फिटमेंट फैक्टर की बात करें यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी प्रीवियस बताया कि फिटमेंट फैक्टर ही सबसे बड़ा रोल, क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपकी पेंशन, आपकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होती है। तो आप देख सकते हैं हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 के यहाँ पर टेबल लेकर आए, जिसमें 6th पे कमीशन 8th पे कमीशन में कितनी बेसिक आपकी होने जा रही है वो हम इस टेबल में बताने जा रहे हैं। तो आप सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 की। अगर आपका बेसिक इस टाइम पे 18,000 रुपए है तो आपका 8th पे कमीशन में
फिटमेंट फैक्टर 2.28 के बेसिस पर 41,000 रुपए हो सकता है। वही बात करें इसमें आपका लेवल वन में अगर आपकी बेसिक 18,500 रुपए है तो 42,000 रुपए आपका बेसिक हो सकता है। वही हम बात करें लेवल वन में आपका अगर बेसिक 19,100 रुपए है तो 43,400 रुपए यहाँ पर हो सकता है। ऐसे ही इसमें बढ़ोतरी होती है, 19,700 है तो 44,700 हो जाएगा, 20,300 है तो 4,600 हो जाएगा, 20,900 है तो 47,400 हो जाएगा, 21,500 है तो 48,800 हो जाएगा, 2,200 है 50,200 हो जाएगा, 22,800 है तो 51,800 हो जाएगा। ऐसे ही करके इसमें बढ़ोतरी होती जाएगी। आप ये टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे, वहां से आप ये टेबल सीधा सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। आप देख सकते हैं आपकी जो भी बेसिक होगी उसके हिसाब से आप यहाँ पर टेबल देख लीजिएगा और आप अपना जो भी आपका बेसिक है वो यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। काफी बड़ी टेबल है, आप इसमें 40 कॉलम्स बनाए गए हैं। अब बात करते हैं लेवल टू की। अगर लेवल टू में आप अगर आते हैं और आपका अगर बेसिक जो है वो 19,900 है तो 8% कमीशन में आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 के बेसिस पर आपका जो सैलरी बेसिक होगा वो 45,400 रुपए होगा। वहीं अगर हम बात करें आपका लेवल टू में 20,500 अगर आपका बेसिक है तो 8% कमीशन में 46,700 रुपए हो सकता है। वहीं बात करें हम 21,100 रुपए अगर आपका बेसिक है तो 48,100 रुपए हो जाएगा, और अगर 21,700 रुपए आपका अगर बेसिक है तो 49,500 रुपए आपके बेसिक होने की पॉसिबिलिटीज हैं। वहीं आप अगर टेबल को इसको देखें तो सारे बढ़ते हुए क्रम में आपकी 8% कमीशन में कितना टेबल होगा, कितना आपका फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर होगा वो आपका हो सकता है। वहीं हम लेवल थ्री की बात करें, अगर आपका लेवल थ्री में जो ग्रेड पे है वो 2,000 रुपए है, आप देख सकते हैं लेवल थ्री में बेसिक अगर आपका 21,700 रुपए है तो आप 49,500 रुपए यहाँ पर आपका बेसिक हो सकता है। यही बात करें अगर हम आपका बेसिक 22,400 रुपए है तो 91,100 रुपए तक इसमें पॉसिबिलिटीज जताई जा रही है। वही बात करें अगर हम फिर से 23,100 रुपए इसका बेसिक है तो 52,700 रुपए बेसिक हो सकता है। लेवल थ्री में फिर से अगर हम आपका बेसिक बात करें 23,800 तो 54,300 यहाँ पर हो सकता है। फिर से अगर हम बात करें 24,500 तो 55,900 आपका यहाँ पर बेसिक दिखाई दे रहा है। बात करें फिर से लेवल फोर जो कि ग्रेड पे होता है 2,400, इसमें अगर हम बात करें तो 7 CPC में बेसिक स्टार्ट होता है 25,500 से, तो 8वें वेतन आयोग में 2,800 ग्रेड पे होने के बाद 2,800 फिटमेंट फैक्टर 2.28 होने के बाद आपका बेसिक 58,100 रुपए हो सकता है। वहीं 26,300 की बात करें, अगर आपका बेसिक 26,300 होता है तो 60,000 रुपए आपका बेसिक हो सकता है। अगर हम बेसिक की बात करें 27,100 अगर आपका बेसिक होता है तो आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 के बेसिस के बाद 61,800 रुपए यहाँ पर बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं अगर फोर्थ की बात करें, अगर आपका बेसिक 27,900 रुपए है तो इसमें 63,600 रुपए, और अगर आपका बेसिक 28,700 रुपए है तो 65,400 रुपए आपकी बेसिक होने की पूरी पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है। अगर हम लेवल फाइव की बात करें जिसका ग्रेड पे 2,800 होता है, अगर 7 CPC में स्टार्टिंग लेवल फाइव में 7 CPC है 29,200 होने के बाद 66,600 रुपए यहाँ पर हो सकता है। वहीं अगर 3,000 है आपका बेसिक तो 68,600 रुपए हो सकता है, और 31,100 रुपए है तो 70,700 रुपए हो सकते हैं। 31,900 रुपए अगर आपके बेसिक है तो 72,700 रुपए हो सकता है। 32,900 बेसिक है तो आपका 75,000 टोटल बेसिक हो सकता है, और वहीं बात करें 33,900 अगर आपका बेसिक है तो 77,300 रुपए आपका बेसिक होने की यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में पॉसिबिलिटीज जताई जा रही है। ये बहुत अच्छी टेबल है। फिटमेंट फैक्टर ये 2.28 के बेसिस पर है, और अगर फिटमेंट फैक्टर बदलता है तो आपकी बेसिक पे भी बदल सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि अगर 2 तक या 2.57 तक भी अगर इसमें बढ़ोतरी होती है तो पेंशन काफी बढ़ोतरी हो जाएगी। इसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने की बात कही जा रही है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में देखना होगा कि क्या फिटमेंट फैक्टर रहता है। आप भी हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से कितना प्रतिशत फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, और क्या फिटमेंट फैक्टर पर आपको कितनी बेसिक पेंशन और बेसिक सैलरी आपको चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हैं इस टेबल को तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, वहां से सीधा सीधा आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए उनके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, साथ ही साथ पेंशनर्स के और फैमिली पेंशनर्स के उनकी पेंशन में एरियर्स को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट देने वाला हूं। एक इम्पोर्टेंट लेटर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के केंद्रीय पेंशन लेखा आयोग यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस की तरफ से एक इम्पोर्टेंट ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि आपकी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और आपकी जो पेंशन में एरियर के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई, जो कि मीटिंग होने के बाद में वहां पर बहुत सारे चीफ कंट्रोलर आए पेंशन के और बहुत सारी चीजें उसमें डील हुई, तो जिससे पेंशन आपके खातों तक सही पहुंचे, आपके एरियर्स आपको टाइम पर मिले और इसके अलावा और भी कई सारी चीजों पर डिस्कशन हुआ। पूरा डिटेल में जानेंगे हम। सामने आप नोटिफिकेशन भी देख रहे होंगे जो कि मैंने बताया किसकी तरफ से जारी किया गया है, साथ ही साथ और उस मीटिंग में क्या क्या हुआ, कौन कौन से डिसीजन लिए गए आपके वेलफेयर से रिलेटेड या आपके बहुत सारे चीजों से रिलेटेड, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा आपके बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको अभी पता ही नहीं है कि उनकी पेंशन में बहुत सारे एरियर्स जुड़ने होते हैं या बहुत सारे एरियर्स उनको मिलने होते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन करके अपना एरियर्स ले सकते हैं और कौन कौन से पेंशन के एरियर्स के अलावा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस पर भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक बड़ी वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें कई सारे लोग इकट्ठा हुए और उसमें एक मीटिंग जो ही वो चीफ कंट्रोलर हैं पेंशन डिपार्टमेंट्स के चेयरपर्सन के रूप में उनको लिया गया और उस मीटिंग में कई सारी चीजों पर बात की गई, जिसमें पेंशन के जो एरियर्स हैं जो पीएओ की तरफ से सीपीएओ लेवल पर जारी किए जाते हैं उन सब पर भी वहां पर बात हुई, जो कि आप नोटिफिकेशन सामने देख सकते हैं। पूरा डिटेल में जानेंगे, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन आप पूरा डिटेल में जानेगा, सारी चीजें डिटेल में जानेंगे, बने रहिए आप हमारे चैनल पर। इसी तरीके से आपसे एक अपील करना चाहूंगा कि आप अगर हमारे चैनल अभी तक फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके, साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए एक अपडेट दे दूं, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स से रिलेटेड, हमारे वेलफेयर से रिलेटेड हमारे चैनल पर कर्मचारियों और पेंशनर्स के जितने भी डाउट्स होते हैं, चाहे वो पेंशन बेनिफिट्स हो या फिर अदर बेनिफिट्स हो, उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उनको वहां पर अपडेट करने के लिए पूरी पूरी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो उनको अपडेट कर देंगे। सामने आप एक नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, चलो जल्दी से देख लेते हैं, फिर बाद में और भी इन्फॉर्मेशन है वो भी देखेंगे और इस मीटिंग में क्या क्या हुआ। आप देख सकते हैं ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से, जिसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एरियर ऑफ पेंशन एंड फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, यानी आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और पेंशन के जो एरियर्स हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके ये सर्कुलर जारी किया गया है। साथ ही साथ उसमें जो मीटिंग हुई उसमें क्या चीजें वो भी हम बताएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अ वर्चुअल मीटिंग ऑन द अफोर्समेंशनड सब्जेक्ट वाज कन्वेड ऑन अंडर द चेयरपर्सन ऑफ चीफ कंट्रोलर पेंशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी जो चेयरपर्सन थे उस मीटिंग में वो चीफ कंट्रोलर थे पेंशन के। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हुई जिसमें इन पर बहुत सारी चीजों पर अपडेट दिया गया, क्या क्या चीजें हुई वो हम जानेंगे इस वीडियो में। 8 लाख पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी, एरियर्स और फिक्स मेडिकल अलाउंसेस को लेकर बड़ा तोहफा जारी। आपको बता दूं कि पेंशन धारकों के ईपीपीएफ में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर्स का कॉलम ना रहने से उनको समझ में नहीं आता था कि उनको कितना एरियर मिला है, कितना मिलने वाला है, साथ ही साथ उनको यही नहीं पता चलता था कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस या उनके जो एरियर्स हैं उनकी क्या सिचुएशन है क्या है। इस समस्या को, पेंशन धारकों की इस समस्या को केंद्र सरकार ने अब निजात कर दिया है। इसमें हम बात करेंगे पेंशन धारकों की अब नहीं होगी सुविधा, ईपीपीओ में क्या क्या शामिल किया जाएगा, बैठक में क्या क्या निर्णय लिए गए, इस तारीख तक सिस्टम में बदलाव करना है यानी किस तारीख तक सारी चीजों से बदलाव करना है, साथ ही साथ मैनुअल जो प्रक्रिया है उससे भी वहां पर एक बड़ी निजात मिलेगी, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत सीपीएओ के द्वारा 65 लाख पेंशन धारकों के लिए शानदार तोहफा जारी कर दिया गया है। अब पेंशन भोगियों के ईपीपीएफओ में फिक्स मेडिकल अलाउंसेस और एरियर का कॉलम भी जुड़ेगा, जिससे पेंशन और फैमिली पेंशन को बहुत ज्यादा राहत वहां पर मिले। और इसके अलावा अब पेंशन धारकों को नहीं होगी सुविधा, क्या क्या सुविधा क्या क्या असुविधा नहीं होगी वो भी हम जानेंगे यहाँ पर। इसके माध्यम से पेंशन भोगी अपने फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर की जानकारी कुछ सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं। सीपीएओ द्वारा सभी पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों के सीपीसीसी के प्रमुख हेड को आदेश दिया गया है कि वे अपने सिस्टम को इस प्रकार से अपग्रेड कर लें ताकि पेंशन धारकों को किसी भी तरह की सुविधा ना हो। तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए जितने भी वहां पर बाकी चीजें होती है उन सब चीजों के लिए सीपीसीसी को एक इम्पोर्टेंट अपडेट दिया गया है।
यानी सीपीसी के हेड यानी आपके पेंशन के हेड्स को सभी एक इम्पोर्टेंट अपडेट दे दिया गया है। इसके तहत उनको बोला गया है कि आपकी जो भी उनके सिस्टम है उसको अपग्रेड किया जाए, साथ ही साथ अपग्रेड करने के बाद वहां पर सारी चीजें पेंशन को बताई जाए जिससे पेंशन धारकों को कोई भी सुविधा वहां पर कोई भी असुविधा का वहां ना हो और पेंशन को चंद सेकंड्स में सारी चीजें मिल सके। ईपीपीओ में क्या क्या शामिल किया गया है वो भी आप देख सकते हैं। सीपीएओ ने बताया कि भविष्य में पेंशन धारकों के फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और उनके एरियर के जुड़े सभी कैश, जो भी कितने भी कैश होंगे सारे यानी जो भी इश्यूज होंगे, डिजिटली रूप में भेजे जाएंगे। अब पेंशन धारकों के ईपीपीओ में फिक्स मेडिकल अलाउंसेस और एरियर का कॉलम रहेगा जिससे पेंशन भोगी इन बातों से अवगत रहेंगे। अभी तक आपको पता है कि जितने भी आपकी सीपीओ से सीपीएओ से सारी चीजें आती है उनमें आपके मेडिकल अलाउंसेस और जो भी एरियर्स होते हैं उनका डिजिटली रूप में आपको भेजे जाएंगे। इससे पहले ये होता था कि वो सारी चीजें वहां पर एड होकर नहीं आती थी जिससे पेंशन धारकों को बहुत ज्यादा या पेंशनर्स को फैमिली पेंशनर्स को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब ये सारी चीजें नहीं होंगी और मेडिकल अलाउंसेस और एरियस का कॉलम आ जाएगा जिससे सारी और इसके अलावा सीपीआईओ आपके जितने भी केस होंगे वो सारी चीजें टैली करेंगे और टैली करने के बाद वहां पर आपको सारी चीजें एक ही साथ वहां पर ली जाएंगी। इसके अलावा सीपीआईओ द्वारा ने 6 मई 2024 को एक सर्कुलर जारी किया जो कि मैं पहले दिखा चुका हूं। इस मामले में एक बैठक भी हो चुकी है और बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया वो भी हम देखेंगे। इसमें इस बैठक में पेंशन एरिया और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को लेकर एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन किया गया और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि इस पी की इन्हें ईपीपीओ में शामिल कर दिया जाए ताकि पेंशन भोगियों को पेंशन के सारी चीजें उनको अवगत हो सके, उनको कितना एरियर मिलता है, कितना मिलने वाला है, कितना फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस बढ़ रहा है और भी एरियर्स कितना है और भी बाकी सारी चीजें जो हैं वो सारी चीजें उस सर्कुलर में मैंने आपको बताया। जो सर्कुलर मैंने पहले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का बताया था उसमें ये सारी चीजें वहां पर मेंशन की गई थी। अगर आप भी उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स से यस लिखेगा, वहां से सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। और भी चीजें हैं उसमें वो भी डिटेल में मैं बताऊंगा। इस तारीख तक सिस्टम में करना है बदलाव। सभी पेंशन भोगी भुगतान करने वाली बैंकों के सीपीसीसी हेड को कहा गया है कि वे 15 मई 2024 तक अपने सिस्टम में जरूरी बदलाव कर लें। इसके सार्थक नतीजे मिलने के बाद फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और पेंशन से जुड़े सभी एरियस के केसों की प्रक्रिया डिजिटल तरह से पूरी डिजिटल तरह से होगी और इसके बाद ईपीपीओ में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस एरियस ये दोनों कॉलम शामिल होने के बाद पेंशन धारकों को किसी भी तरीके कोई भी समस्या नहीं आएगी। यानी कि जो अभी मैंने बताया 6 मई 2024 का जो लेटर आया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सीपीएओ की तरफ से उसमें ये सारी चीजें सीपीसीसी को हेड को कहा गया कि 15/5/2024 तक आप अपने सिस्टम में जरूरी बदलाव कर लें और इन कॉलम्स को भी ऐड कर लें जिससे पेंशनर्स के लिए वहां पर कोई भी समस्या का ना हो और सारी चीजें उनको वहां पर एक साथ मिल सके। और इसके अलावा आगे चलते हैं, इसमें मैनुअल प्रक्रिया से मिलेगी निजात। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार पेंशन धारकों को जो भी मैनुअल प्रक्रिया होती है उससे निजात मिल जाएगी। कोई भी पेंशन भोगी अपने ईपीपीओ में ये सारी चीजें देख सकेगा कि उसके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस या एरियर की सिचुएशन क्या है, क्या स्टेटस है, क्या उनको मिला हुआ है, क्या बैंक के पास पहुंच गया है। इसके अलावा सीपीओ ने बताया कि अगर पेंशन भुगतान करने वाली बैंकों को इस प्रक्रिया को शुरू करने में कोई परेशानी आती है तो उस स्थिति में टेक्निकल मदद के लिए आपको साइंटिफिक अफसर SBCPO को संपर्क कर सकते हैं। तो ये कई सारे चीजों में अपडेट किया गया है। अब आपको सारी चीजें मैनुअल के बाद में सारी चीजें डिजिटल कर दी जाएंगी और डिजिटल होने के बाद में पेंशन्स को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। देख सकते हैं जैसा कि ये मैंने नोटिफिकेशन या बोल सकते हैं सर्कुलर पहले भी आपको बताया था, इस सर्कुलर के जरिए ही सारी चीजें पेंशन और पेंशन पेंशनर्स के जितने भी बेनिफिट्स हैं चाहे उनके एरियर्स में पेंशन को लेकर के हो या फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस को, वो सारी चीजें क्लियर की जाएं। और अगर आपको कोई टेक्निकल एडवाइस लेनी है तो आप देख सकते हैं श्री धीरज कुमार साइंटिफिक ऑफिसर SBCPO या फिर ये मेल आईडी आप देख सकते हैं dheeraj.kumar89@nic.in पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सर्कुलर है सभी पेंशनर्स के लिए, इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए पेंशन के जितने भी एरियर्स हैं और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ऐसे होते हैं जिनको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता होता है या हाल में ही पेंशनर से कर्मचारियों से पेंशन बने होते हैं तो उनको पीपीओ के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि सभी पेंशनर्स को उनके पेंशनरी बेनिफिट्स टाइम से मिलें, सही पे मिलें और उनके अलावा उनको कोई भी लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से उनको किसी भी टाइप से परेशानी ना हो। आप ये सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस और एरियर्स के लेकर के जिससे उनके सारी चीजें घर पर ही सारी हो जाएंगी और चंद सेकंड में आप ये सारी चीजें देख पाएंगे और साथ ही साथ अपनी पेंशन स्लिप भी डाउनलोड कर पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, इसके साथ ही साथ चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करेगा और आपको इससे रिलेटेड कोई कमेंट करना है तो आप हमें या सुझाव देना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर के कोई ना कोई अपडेट जरूर देंगे। ये आप सर्कुलर डाउनलोड करना चाहते हैं
तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, वहां से सीधा ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी